भारत की बड़ी ऑटो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टाटा मोटर्स अपनी सभी छोटी डीजल कार बंद करेगी। टाटा मोटर्स के सीनियर अधिकारी के मुताबिक अपकमिंग BS6 एमिशन नॉर्म्स की वजह से ये किया जा रहा है। साथ ही नए नियमों की वजह से डीजल से चलने वाले वाहनों की कीमत बढ़ सकती है। टाटा मोटर्स से पहले मारुति सुजुकी ने 1 अप्रैल 2020 से सभी डीजल कारों को बंद करने का फैसला लिया है। इसी तारीख से देश भर में नए नियम लागू हो रहे हैं। टाटा मोटर्स मौजूदा वक्त में एंट्री लेवल हैचबैक टियागो कार की बिक्री करती है, जो 1 लीटर डीजल इंजन के साथ आती है। साथ ही कॉम्पैक्ट सेडान टैगोर 1.05 लीटर डीजल इंजन के साथ आती है। इसके अलावा 1.3 लीटर डीजल इंजन के साथ बोल्ट और जेस्ट आती है। टाटा मोटर्स के प्रेसिडेंट मयंक प्रतीक ने कहा कि एंट्री लेवल और मिड साइज डीजल मॉडल की कम डिमांड है, ऐसे में इन वाहनों की कीमत बढ़ने से मांग और कम होने की उम्मीद है। मार्केट में पेट्रोल वेरिएंट की डिमांड ज्यादा है, ऐसे में डीजल कार को नए नियमों के हिसाब से बनाने में निवेश करना सही नहीं होगा। कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट जैसे SUV, नेक्सॉन और हालिया लॉन्च हैरियर SUV है, जो 1.5 लीटर और 2 लीटर पावर ट्रेन के साथ आती है। प्रतीन ने बताया कि BS6 को छोटी डीजल कारों में लगाना महंगा साबित हो सकता है। मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स से अलग फोर्ड ने कहा कि वो भारत में डीजल कारों की बिक्री जारी रखेगा। फोर्ड भारत में इको स्पोर्ट और एंडेवर जैसी SUV की बिक्री करती है। तो कुल मिलाकर BS6 एमिशन नॉर्म्स की वजह से पहले मारुति सुजुकी और अब टाटा मोटर्स का छोटी डीजल कारें बंद करने का ये फैसला ये सवाल खड़ा करता है कि आने वाले दिनों में डीजल कारों का क्या भविष्य होगा। क्या डीजल कारें सड़क से पूरी तरह से गायब हो जाएंगी, ये देखना होगा।